काल की बात कहते हैं, इनका अमृत काल है। ये लोगों के लिए सचमुच में काल है, लोकतंत्र के लिए काल है, भारत के संविधान के लिए काल है, जिसमें महिलाएं अपना सम्मान नहीं छोड़। महिलाएं मांग कर रही है कि आप संसद भवन तो बना रहे हैं, लेकिन इस संसद में एक ऐसा बलात्कारी सांसद है जिस पर भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सांसद ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, महिला पहलवानों का संघर्ष जिंदा पास, महिला पहलवानों के बलात्कारी सांसद को गिरफ्तार करो, कार मुर्दा पास, बलात्कारियों की संरक्षक भाजपा सरकार मुर्दा पास। ओलंपिक में एशियाड में मेडल लेकर आती हैं, उन खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, और यौन उत्पीड़क और कोई नहीं, उनका जो तत्कालीन कुश्ती संघ का अध्यक्ष था ब्रजभूषण शरण सिंह, उसने ये यौन उत्पीड़न किया है। छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ ही यौन उत्पीड़न हुआ। लगातार ये महिला खिलाड़ी मांग करती रही कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हुआ, लेकिन FIR होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि पॉक्सो एक्ट के तहत FIR हुआ, दोनों FIR हुए। तो इस देश में जहां महिलाओं के पक्ष में कानून बनाने की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद ये कानून बना है, कानून का मजाक ये सरकार उड़ा रही है। ये मोदी जी जो अपने को बड़ा लोकतंत्र प्रहरी घोषित करने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं, वही आज देश के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हीं की पार्टी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, वो आराम से खुलेआम घूम रहा है पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा होने के बाद, FIR होने के बावजूद। और आज जब ये महिला खिलाड़ी, महिला पंचायत की घोषणा थी, पूरे देश से महिलाएं आज दिल्ली पहुँच रही थी, दिल्ली के बॉर्डर पर महिलाओं को रोका गया है, जो दिल्ली में मौजूद थी महिलाएं उनको जगह जगह पर, हमारे आपवा के साथियों को कई जगह रोका गया है, दूसरे महिला संगठनों को रोका गया है, महिला खिलाड़ियों के साथ पुलिस ने पूरी तरह से नाकामी की है, और जो खबरें आ रही हैं कि उनका जो धरना स्थल था उस धरना स्थल को भी उजाड़ दिया गया है। तो एक तरफ बलात्कारियों को बचाने में इस निर्लज्जता से लगी हुई है भाजपा सरकार, मोदी जी खुद लगे हुए हैं, क्योंकि वो ब्रजभूषण शरण सिंह आराम से बयान दे रहा है, अखबारों में बयान दे रहा है, ये तथाकथित जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया चैनल हैं उसमें बयान दे रहा है, वो सरकार तो उनको बचाने में लगी हुई है। मोदी जी और अमित शाह ने जो चुप्पी साध रखी है, ये अब कोई आश्चर्य का विषय नहीं रह गया है। अब बल्कि लोग समझ गए हैं कि भाजपा और उसकी जो विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली संस्था है RSS, ये भाजपा RSS की आज एक ही पहचान है, बेटियों का अपमान और बलात्कारियों पर मेहरबान। ये ब्रजभूषण शरण सिंह पर मेहरबान बने हुए हैं, और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कई बलात्कारी जो उनकी पार्टी के रहे हैं, जो साधु संत का चोगा पहने रहे हैं, उन लोगों को भी बचाने में ये लोग लगे रहे हैं। लेकिन इस बार अगर इस तरह से जो देश की ख्याति प्राप्त कुश्ती खिलाड़ी हैं उनका यौन उत्पीड़न हो रहा और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये समझा जा सकता है कि इस देश में आम महिलाओं के लिए न्याय पाना कितना कठिन है। आज जो ये कार्यक्रम है आप देख रहे हैं कि दिल्ली में महिला पंचायत कार्यक्रम था, जिसमें कि दिल्ली की पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी करके और खिलाड़ियों के साथ पूरी बदतमीजी से उनको घसीटते हुए गिरफ्तार किया, और जितनी भी महिला एक्टिविस्ट हैं तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों JNU में पुलिस फोर्स पूरा वहां लगा दी गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों में नाकेबंदी कर दी गई है। इस तरह से हमारी बेटियां जो अपने सवालों को लेकर के जंतर मंतर पर बैठी हैं, उनको न्याय देने के बजाय, उन बलात्कारी को गिरफ्तार करने के बजाय जो भाजपा का सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, हमारी बेटियों के ऊपर ही दमन किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज पटना में यहाँ पे ISA और RYA के नेतृत्व में
आज उनके समर्थन में हम लोगों ने यहाँ पे धरना का आयोजन किया है और यह कार्यक्रम का आयोजन किया है और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उस अपराधी को जेल की सीखों में बंद नहीं कर दिया जाता, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा।